बोलो। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे जब हम धाम में आए होते हैं तो हम लोग जैसे चलते फिरते या कथा में बैठे हुए नाम जप कर लेते हैं जो आपने मूल मंत्र दिया हुआ है, तो जब हम घर वापस जाएं अपनी सिटी में जाएं तो वहाँ पे हम सेम चीज़ कर सकते हैं? हाँ, भगवान का नाम कहीं भी जाओ, फ्लाइट में रहो, ट्रेन में रहो, गाड़ी में रहो, घर में रहो, बाहर रहो, रसोई में रहो, बेडरूम में रहो, कहीं भी रहो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, हर समय भगवान का चिंतन चलता रहे। नहीं, जो मूल मंत्र दिया मूल जो माला से करते हैं, चलते फिरते द्वय मंत्र, द्वय मंत्र चलते फिरते श्रीमन नारायण चरण शरण प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, बैठ करके शुद्धि में मूल मंत्र है ना, उसे भी यदि चलते फिरते कोई जपे तो आपत्ति नहीं है, फिर भी बैठ के बाकी द्वय मंत्र चलते फिरते। एक और प्रश्न है, जैसे कल गुरु पूर्णिमा है तो अब जैसे फर्स्ट टाइम गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरु पूर्णिमा आ रही है तो मुझे विधि पता नहीं है कि क्या क्या करना होता है, तो आप वो बता दीजिए थोड़ा सा। गुरु पूर्णिमा के दिन हम सबको भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए, क्योंकि हम सबके मूल गुरु भगवान कृष्ण हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो सबके गुरु हैं, तो भगवान को बढ़िया नहलाओ, पूजा करो, दिव्य उनकी आरती उतारो, चरणों में तुलसी चढ़ाओ, भगवान को भोग लगाओ, फिर गुरु का दर्शन करो, गुरु से भगवान का दर्शन करने के बाद गुरुजी का दर्शन, गुरुजी का पूजन। पूजन क्या है? दर्शन हो गया। गुरु पूर्णिमा के दिन दर्शन ही सबसे बड़ा पूजन है। पूजन तो फिर औपचारिकता हो गई है ना, दर्शन ही सबसे बड़ा पूजन है। दर्शन कर लो और जो गुरुजी कहते हैं उनके वचनों पर अमल करना ही सबसे बड़ी पूजा है। राधे राधे गुरुजी। खुश। जय श्रीमन्नारायण गुरुदेव जी। गुरुजी, क्या दादा और नाना का एक साथ पोथी पाठ हो सकता है? हाँ, पोथी पाठ दादाजी का और नाना जी का एक साथ हो सकता है? दादाजी का गोत्र अलग है, नाना जी का गोत्र अलग। और हमें हमारे वहाँ पड़ोस में मतलब जहाँ से हम आए हैं किसी को अपना गोत्र नहीं पता, तो हम क्या करें? हम कहीं से पता ही नहीं लग रहा, इसलिए तो हम बोलते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते रहा। सत्यनारायण भगवान के पंडित भी नहीं बताते, सब जात बताते हैं। जैसे हमारी मीठिया है तो बोल दिया मीठिया लगा दो, अब गोत्र पता ही नहीं क्या करें, तो उनको भी याद नहीं होगा, फिर हम क्या करें? अब गुरुदेव, कोई बुजुर्ग नहीं बचे घर में, कोई नहीं पता। हम भगवान से भी अब जुड़े हैं, आप विश्वास नहीं मानोगे, हमारे घर में कभी पूजा भी नहीं होती थी। इसलिए तो संस्कारहीन हो गए, तो गोत्र तक भूल गए। ये तो हमारे भाग्य है जो हम आपसे जुड़े हैं, और चार सालों से बच्चे भी जुड़ गए और खूब आशीर्वाद आपका मिल रहा है खूब। अब आप बताओ हमें क्या करना चाहिए गोत्र के बारे में? चलो हम बताएंगे, अभी अंदर बैठेंगे तब बताएंगे। और गुरुदेव, हम सुबह 6 बजे हमारी ट्रेन है, और सुबह हम गुरु पूर्णिमा के दिन आपके बिना दर्शन कैसे जाए हमें वो बताओ, मन नहीं मान रहा। कोई बात नहीं, आज ही दर्शन तो आप कर ही रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। गुरु पूर्णिमा के दिन ही दर्शन नहीं, आप तो गुरु से जुड़े हैं, ये 2 दिन आगे 2 दिन पीछे भी हो गया तो वो एक ही बात है। आप गुरु पूर्णिमा के दिन जहाँ हैं वहाँ से अपने गुरु का स्मरण कर लीजिए, भगवान का स्मरण कर लीजिए। हर सब लोग थोड़ी आ पाते हैं, सबको अपने हमारे पड़ोस में सभी को राधे राधे बोलो, सभी ने बोला है, क्योंकि हमारे पड़ोस में ना कोई यहाँ तक आया नहीं, और गुरु बिहारी जी की कृपा है कि हम आ रहे हैं। तो हमें अब पता है क्या है, पड़ोस में कोई देखता है ना, आप वृंदावन जा रहे हो, बैग लेके कहीं भी जाना, आप वृंदावन जा रहे हो कि बिहारी जी बुलाए तो हम जरूर जाएंगे। बिल्कुल अच्छा। पूरे आप सबको लाना, अड़ोसी पड़ोसी सी बहाने, किसी एक भी भटके हुए प्राणी को आपने भक्ति से जोड़ दिया, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और गुरुदेव सबको राधे राधे बोल दो आप हमारे पड़ोस सबको में। आपके पड़ोसियों को, क्या नाम है आपकी सोसाइटी का? हमारे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, हनुमानगढ़ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। हनुमानगढ़ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की सभी माताओं बहनों बच्चों को बुजुर्गों को जय श्री मंदिर।